आज हम करेंगे लिनक्स के अंदर कॉपी और मूव कमांड। कॉपी कमांड क्या करता है? कोई भी डेटा आपको कॉपी करना है कि कोई एक फाइल बना रखी है मैंने किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे, वहां से आपको पूरा डेटा कॉपी करना है किसी दूसरे फोल्डर के अंदर। कॉपी करने का मतलब दोनों लोकेशन पर वो फाइल अवेलेबल है, और मूव करने का मतलब कि कट पेस्ट करेंगे। एक जगह वो फाइल है, यहाँ मुझे नहीं चाहिए, दूसरी जगह चाहिए। दैट इज द कॉपी, डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड मूव। कॉपी में उसी तरह की सेम फाइल बना के वो दूसरी जगह कॉपी कर देगा, दोनों जगह अवेलेबल होगा। मूव के अंदर एक लोकेशन पर अवेलेबल होगा, दूसरे लोकेशन पर अवेलेबल नहीं होगा। कमांड क्या है? कमांड है आपकी, अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो आप सीपी लिखेंगे, अगर आप मूव कर रहे हैं तो एमवी लिखेंगे। उसके बाद फुल पाथ ऑफ सोर्स लोकेशन। जो भी आपकी सोर्स लोकेशन है, यानी जहां पर वो फाइल एग्जिस्ट कर रही है, उसका फुल पाथ आप लिखोगे। ये आपका सोर्स लोकेशन का फुल पाथ होगा, तो आप फुल पाथ सोर्स लोकेशन का लिखोगे। उसके बाद फुल पाथ ऑफ डेस्टिनेशन का फुल पाथ लिखेंगे। तो हमें सोर्स का फुल लोकेशन लिखना है और फिर डेस्टिनेशन का फुल लोकेशन लिखना है। अगर कॉपी कर रहे हैं तो यहाँ सीपी लिख दीजिए, अगर मूव कर रहे हैं तो यहाँ एमवी लिख दीजिए। मैं करके दिखाती हूँ आपको। जस्ट एज्यूम करिए मैं एक्स के अंदर एक फोल्डर एक्स वाई बना रही हूँ, एक्स वाई के अंदर एक एक्स वाई जेड बना रही हूँ, ताकि आपको फुल पाथ का मतलब समझ में आए। और फिर उसके अंदर एक फाइल वन एफ वन के नाम से एक फाइल बना दे रही हूँ। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, जब आपका पाथ स्लैश से शुरू होता है तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट पाथ। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ। एब्सोल्यूट पाथ स्लैश से जब आप डिफाइन करेंगे तो इसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट पाथ। तो हम यहाँ एब्सोल्यूट पाथ यूज करेंगे स्लैश से डिफाइन करेंगे। या मान लीजिए मैं x के ऊपर बैठी हूँ, वहां से कॉपी करना चाह रही हूँ, तो ये हमारा पार्शियल पाथ हो जाएगा। मैं करके आपको दिखाती हूँ। रूट से लॉगिन कर रहे हैं क्योंकि रूट को ही फुल लोकेशन फुल परमिशन होती है। सबसे पहले मैं स्लैश पे चली जा रही हूँ, सीडी स्लैश किया मैंने, ये देखिए। अब आपको मैं वो पाथ बना रही हूँ जो अभी मैंने आपको दिखाया था कि एक्स के अंदर एक्स वाई होगा, फिर उसके अंदर एक्स वाई जेड होगा, तो वो मैं बना रही हूँ। मान लीजिए मैंने एम के डी आई आर एक्स बनाया, एक फोल्डर बनाया। अब इस फोल्डर के अंदर जाने के लिए मैं क्या करूंगी, सीडी स्पेस एक्स करूंगी। अब मैं x के अंदर एक्स वाई बनाना चाहती हूँ, तो एम के डी आई आर एक्स वाई बनाया। अब मैं एक्स वाई के अंदर जाना चाहती हूँ, तो सी डी स्पेस एक्स वाई बनाया। अब मैं एक्स वाई के अंदर एक्स वाई जेड बनाना चाहती हूँ, तो एम के डी आई आर एक्स वाई जेड, ये बना दिया सी डी स्पेस एक्स वाई जेड। क्लियर है? तो हमने x बनाया, x के अंदर x y बनाया और x y के अंदर x y z बनाया। अब मैं यहाँ पर एक फाइल बना रही हूँ, सीधे कैट से ही फाइल बना दे रही हूँ, और टच से बना के उसे कैट से डेटा भर सकते हैं, या कैट से सीधे मैं फाइल बना के उसके डेटा लिख सकती हूँ। तो मैंने ये डेटा उसके अंदर लिख दिया। अब मैं इसे सेव कर दे रही हूँ। आप इसे चेक करना चाहते हैं तो कैट स्पेस फाइल का नाम दे दीजिए, ये देखिए डेटा आ गया। अब मैं स्लैश पे वापस चली जा रही हूँ, सीडी स्लैश। ये देखिए मैंने स्क्रीन क्लियर कर दिया। अब मुझे एक
यहाँ पर हम जाते हैं, PQR बनाएंगे, मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए मैंने ये वाली चीज आपकी कंप्लीट कर दी, एक्स के अंदर एक्स वाई के अंदर एक्स वाई जेड फाइल F1। अब उसके नीचे मैं आपको क्यू के अंदर सी के अंदर आर बनाऊंगी और इसी के अंदर कॉपी करेंगे। तो अब मैं दूसरा वाला लूप बना रही हूँ आपको, अब मैं एम के डी आई आर क्यू बना रही हूँ। अब क्यू के अंदर पी बना रही हूँ, अब पी के अंदर गई और इसके अंदर मैं आर बना रही हूँ। ये मैंने बना दिया, अब मैं सीधी स्लैश पे वापस आ जा रही हूँ। अब मुझे कॉपी करना है उस F1 फाइल को इस आर के अंदर, तो मैंने लिखा सी पी, कॉपी करना चाहती हूँ इसलिए मैंने लिखा सी पी स्पेस स्लैश से, मैं एब्सोल्यूट पाथ डिफाइन कर रही हूँ, तो स्लैश के अंदर एक्स के अंदर एक्स वाई के अंदर एक्स वाई जेड के अंदर फाइल 1 यानी F1 है, इसे मुझे कॉपी करना है। कहाँ पर कॉपी करना है? स्लैश पी के अंदर, सॉरी स्लैश क्यू के अंदर पी के अंदर आर के अंदर कॉपी करना है। ये देखिए मेरा कॉपी हो गया। अब मैं आर के अंदर जाके एक बार चेक कर लेती हूँ, स्लैश क्यू के अंदर पी के अंदर आर, मैं यहाँ एलएस कर रही हूँ, ये देखिए F1 फाइल कॉपी हो गई। तो इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं। एब्सोल्यूट पाथ आपको डिफाइन करना पड़ता है, एब्सोल्यूट पाथ यानी फुल पाथ आपको डिफाइन करना पड़ता है। मैंने पहले F1 का फुल लोकेशन, सोर्स फाइल का फुल पाथ डिफाइन किया और फिर डेस्टिनेशन लोकेशन का फुल पाथ डिफाइन किया। तो इस तरह से आपका कॉपी चल रहा है फुल पाथ का। अब मैं यहाँ पर एक और फाइल बना देती हूँ, सिंगल बनाती हूँ और उसके अंदर मूव करके दिखाती हूँ। एम के डी आई आर बी एन के नाम से मैंने एक फाइल बना दिया, ये देखिए बी एन फाइल बन रही है। अब मैं यहाँ पर इसे मूव करना चाहती हूँ, वहां पर जो मैंने F1 फाइल बनाई थी एक्स के अंदर एक्स वाई के अंदर एक्स वाई जेड के अंदर, उसे मूव करना चाहती हूँ। तो मूव करने के लिए आपकी कमांड होगी MV, वही सेम चीज है, मैंने कहा था या तो CP लिखेंगे तो कॉपी हो जाएगी, MV लिखेंगे तो मूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ मूव कर रही हूँ MV, और इसे मूव करने के लिए कहाँ मूव कर रही हूँ? एक्स के अंदर पहले सोर्स फाइल डिफाइन करेंगे, एक्स वाई के अंदर एक्स वाई जेड, तो कहाँ मुझे मूव करना है? स्लैश के अंदर बी एन फोल्डर के अंदर एक्स वाई जेड के अंदर F1 फाइल भी डिफाइन करेंगे जिसे हम मूव करना चाहते हैं, तो स्लैश बी एन के अंदर मूव कर देना। अब हम मूव बी एन के अंदर जाते हैं, ये देखिए बी एन के अंदर आ गए हम। अब बी एन के अंदर मुझे उस फाइल को चेक करते हैं कि वो आया कि नहीं आया, ये देखिए F1 फाइल आ गई। इसका मतलब कि अब एक्स वाई जेड के अंदर वो फाइल नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने मूव किया है। जाके चेक करते हैं सी डी के अंदर एक्स के अंदर एक्स वाई के अंदर एक्स वाई जेड के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर एल एस करके चेक करिए, कोई फाइल नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने मूव किया था और मूव का मतलब होता है कट पे, तो इसने F1 फाइल को वहां से मूव करके बी एन के अंदर पेस्ट कर दिया। तो दैट इज अ कॉपी एंड मूव कमांड इन लिनक्स।